हेलो दोस्तों, वेलकम टू मोटो महल यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, ये आप सभी लोग के लिए एक और न्यू मॉडिफिकेशन के ऊपर मैं वीडियो लेके आया हूँ। और आप सभी लोग ने इस बाइक को काफ़ी अच्छे से गेस कर लिया था जब मैंने इसका जो पोस्ट है वो इंस्टाग्राम में डाला था और आप सभी से पूछा था कि ये कौन सी बाइक है। सो आप सभी लोग ने यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से गेस कर लिया था कि ये एक TVS स्टार सिटी है। सो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि ये जो बाइक आप लोग देख रहे हैं ये एक मॉडिफाइड 2007 मॉडल की TVS स्टार सिटी है, जिसको एक प्योर कैफे रेसर के स्टाइल में मॉडिफाई किया है। इस गाड़ी को मॉडिफाई किया डेविल कस्टम्स ने और आप लोग देख सकते हैं किस तरह से एक, मतलब इसको देख के कौन बोलेगा कि ये एक TVS स्टार सिटी थी, क्योंकि इसका जो लुक है, डिज़ाइन है, कलर है, ओवरऑल डिज़ाइन देखिए, बहुत ही अल्टीमेट वर्क इस बाइक में किया गया है। और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को भी ये स्टाइल एंड डिज़ाइन पसंद ज़रूर आ रहा होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सभी को इसी बाइक के बारे में सारी जानकारी देने वाला हूँ कि क्या क्या चीज़ें इसमें चेंज की हैं और क्या क्या नहीं की गई हैं, जिसके कारण अगर आप अपनी बाइक मॉडिफाई करेंगे तो आपको भी इसमें बेटर आइडिया लग जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस बाइक की मॉडल। जैसे ये 2007 की TVS स्टार सिटी है और यहाँ पे जो फ्यूल टैंक आप लोग देख रहे हैं ये यहाँ पे स्टॉक रखा गया है। फ्यूल टैंक में कुछ भी चेंजेस नहीं किया गया है। अगर हम बात करें चेंजेस के बारे में, तो यहाँ पे फ्रंट एंड रियर दोनों ही टायर्स आप लोग देख रहे हैं काफ़ी न्यू टायर हैं, अलग ढंग के टायर हैं। और यहाँ पर रैल्को के टायर हैं, दोनों ही 18 इंच के टायर हैं। फ्रंट वाले भी 18 है और पीछे वाला प्रोफाइल भी 18 का ही है। और इन दोनों टायर के जो लिंक है वो अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आपको एग्जैक्ट जानकारी यहाँ पे पता लग पाए। उसके अलावा यहाँ पीछे का आप लोग फ्रेम देखिए जो कि चेंज किया गया है, बिल्कुल यहाँ पर सिंगल सीटर बना दिया गया है। और कितने अच्छे से पीछे का जो फ्रेम का डिज़ाइनिंग यहाँ पे की गई आप लोग देख सकते हैं। फ्यूल टैंक के बिल्कुल स्ट्रेट टू स्ट्रेट ये पीछे का जो इसका फ्रेम है वो डिज़ाइन यहाँ पे किया गया है। उसके साथ साथ यहाँ पे बाइक का जो कलर कॉम्बिनेशन है वो भी काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पे गन मेटल ग्रे, जैसे कि रॉयल एनफील्ड का गन मेटल ग्रे आता है, उसी स्टाइल में यहाँ पे इस मोटरसाइकिल को भी पेंट किया गया। आप लोग देख सकते हैं किस तरह से स्ट्राइप्स बनाया गया 99, जो कि एक कैफे रेसर में आपको इस तरह के स्ट्रिप्स वगैरह देखने मिल जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पे फ्रंट एंड रियर फेंडर दोनों ही हैंडमेड है, जैसे देख सकते हैं शॉर्ट कर दिया गया है। फ्रंट फेंडर भी और रियर का फेंडर भी आप लोग देख सकते हैं जो कि पीछे के फ्रेम से ही पूरा जॉइंट होके बनाया गया है। इस बाइक का जो हैंडल बार है वो भी यहाँ पे चेंज किया गया है, अब इसमें क्लिप ऑन हैंडल बार भी का यूज़ किया गया है। जैसे देख सकते हैं फ्रंट का जो लुक है वो कितना अच्छा आ रहा है और ये जो येलो कलर की हेडलाइट है ये भी बहुत अच्छी लग रही है। अगर दोस्तों आप सभी को ना इस तरह की येलो हेडलाइट चाहिए तो ये इस तरह की हेडलाइट आपको ट्रैक्टर में मिल जाएगी, जो ट्रैक्टर की हेडलाइट होती है यूजली लोग उसी तरह की हेडलाइट लगाते हैं क्योंकि वो छोटी भी होती है और बाइक में लगाने पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखता है। यहाँ पर साइड प्रोफाइल से इस गाड़ी को देखिए, साइड प्रोफाइल से लुक काफ़ी ज़बरदस्त आ रहा है। और यदि इसका थोड़ा सा स्विंग आर्म अपन थोड़ा और लंबा करते हैं तो ये गाड़ी और भी ज़्यादा अच्छी दिखती। लेकिन इमेजिन करिए ये एक TVS स्टार सिटी है, जिसका जो मॉडिफिकेशन लेवल है वो आप लोग यहाँ पे देख के खुद ही सोच पा रहे हो कि क्या बाइक बनाई है इन्होंने। आप एक और चीज़ यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पे जो फ्रंट हेडलाइट है उसमें क्रॉस मार्क है। और यूजुअली जितने भी कैफे रेसर से होते हैं, अगर आप बाइक देखते होंगे पहले ज़माने में, उसमें भी आपको इस तरह के क्रॉस देखने मिलता है और जो कि इस मोटरसाइकिल में भी दिया गया है। यहाँ पे जो फ्रंट का स्पीडोमीटर कंसोल है वो भी यहाँ पे चेंज किया गया, वो भी यहाँ पे एक आफ्टर मार्केट स्पीडोमीटर कंसोल लगाया गया है। इस बाइक का जो एग्जॉस्ट सिस्टम है वो भी यहाँ पे अपग्रेड किया है, और जो कि मैं आपको इस वीडियो में तो नहीं सुना पाऊंगा क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है। तो लॉकडाउन के जैसे एंड होता है मैं आप सभी को इसका एक प्रॉपर डिटेल वीडियो ज़रूर आप सभी को दिखाऊंगा कि इस मोटरसाइकिल का एग्जॉस्ट साउंड कैसा है और रियल में ये बाइक किस तरह से दिखती है। ये वीडियो जस्ट आप सभी लोग के जानकारी लेके था कि आप अगर आप लोग भी चाह रहे हैं TVS स्टार सिटी मॉडिफाई करना तो आप लोग कुछ इस तरह का डिज़ाइन लेके भी अपनी बाइक को मॉडिफाई करा सकते हैं। मतलब सोचिए एक TVS स्टार सिटी है लेकिन इसका जो लुक है वो कितना ज़्यादा अच्छा आ रहा है, बहुत अल्टीमेट आ रहा है। और इस तरह का लुक आप लोग अपनी स्प्लेंडर में भी देख सकते हैं या जितनी भी छोटी सीसी वाली बाइक है उसमें भी आप लोग इस तरह का कस्टमाइजेशन करवा सकते हैं। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, सारी जानकारी आप सभी लोग को पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आपको इस बाइक से रिलेटेड और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है मोटो महल, या तो मुझे आप लोग मेल करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों, कैसा लगा आप सभी को ये वीडियो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन आप सभी लोग के लिए ओपन है, प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा आपको इस बाइक में सबसे अच्छी चीज़ें क्या लगी और कौन सी चीज़ें ऐसी लगी जो आपको पसंद यहाँ पे नहीं है। और अगर दोस्तों आपको 10 में से इस बाइक को रेटिंग करना तो आप सभी का क्या रेटिंग है, प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। और दोस्तों, अगर आपको सभी लगता है कि ये वीडियो किसी के काम के लायक है तो आप लोग इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं ताकि उनको भी जानकारी लग पाए कि TVS स्टार सिटी भी हम लोग कुछ इस डिज़ाइन में मॉडिफाई करा सकते हैं। सो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय।